नमस्कार किसान साथियों, आज हम खड़े हैं ग्राम फेफरी में मनीष पाटिल जी के खेत में और इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। इन्होंने मिर्ची की खेती की है और उद्यानिकी विभाग द्वारा इनको ड्रिप संयंत्र का लाभ दिया गया है, जिसके फायदों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम मनीष जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है मनीष पाटिल। हाँ, पिता का नाम मायाराम जी पाटिल, ग्राम फेफरी सरकार का निवासी हूँ, तहसील खालवा, जिला खंडवा। अच्छा, तो ये बताइए, आपको जब उद्यानिकी विभाग से ये ड्रिप संयंत्र का लाभ नहीं मिला था, तो इसके पहले आप कैसे सिंचाई करते थे? हम पहले जो ड्रिप का लाभ नहीं मिला था, हम क्यारी बना के और लांगी बना के पानी देते थे, उससे खुला पानी चलाते थे। तो उसकी तुलना में अभी आपको क्या फायदा हो रहा है? ये ड्रिप डालने से उत्पादन बढ़िया मिलता है, कम पानी में काम खर्च हो जाता है कंपनी में। अच्छा। खाद चलाने में, पेस्टिसाइड खाद चलाने में दिक्कत नहीं आती है। मतलब आपका उत्पादन भी बढ़ा है, कम पानी में आपका ज़्यादा रकबे की सिंचाई कर पा रहे हो, और साथ में आप ड्रिप से खाद और उर्वरक भी अपना चला देते हो, जो कि ये काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपको उद्यानिकी विभाग से कितने एकड़ का लाभ मिला है ड्रिप संयंत्र में? दो एकड़ का लाभ मिला है। और आपने मिर्ची भी लगाई थी, अभी भी लगी है? हाँ, अभी भी लगी है। कितने एकड़ में लगाई थी? दो एकड़ में लगाई थी पहले भी, अभी भी लगी हुई है। अच्छा, तो आपको उसमें लागत कितनी आ गई थी? अगले बार सही थी 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए लागत आई थी। और आपने कुल कितनी मिर्ची निकाली थी? 10 लाख की मिर्ची निकाली थी अगले वर्ष। 10 लाख की निकाली थी, यानी शुद्ध मुनाफा आपको 6 लाख रुपए का हो गया। 6 लाख का हुआ था। आप ये ड्रिप सिंचाई के बारे में किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे खुला नाली से पानी देते हैं, उसके बजाय ड्रिप की किसानी करे तो उत्पादन बढ़िया मिलेगा, फल में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलेगी। अच्छा। और उसके बाद में उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। तो इस प्रकार से ड्रिप संयंत्र का लाभ लें, जिससे जल की बचत भी है और उत्पादन भी ज्यादा उत्पादन भी मिलेगा। धन्यवाद।